हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल अपना लोकल दिल्ली वाला। तो आज हम आए हैं अपना सूरजकुंड मेला में, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला पे, और ये चलेगा आपका अपना जो है 2 तारीख से लेकर और 19 तारीख तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आइसक्रीम्स हैं, आपका प्लांट बेस्ड मीट है, यहाँ पे बहुत सारे फूड आइटम के ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करेंगे अपनी एक आइसक्रीम, तो चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ तो गाइस, ये जो आइसक्रीम है ये 30 रुपीज़ की, आप इसमें कोई फ्लेवर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला एंड इवन मिक्स भी प्रेजेंट है इसमें। तो मेरी तो फेवरेट चॉकलेट है, तो चॉकलेट ट्राई करता हूँ। गाइस बिल्कुल जेन्युइन, वो अपने जो बचपन में मज़ा आता था सॉफ्टी वाला, बिल्कुल वैसा ही मज़ा है आइसक्रीम में। और इवन प्राइस भी रीजनेबल, 30 के हिसाब से साइज भी ठीक हो जाता है मुझे लगा। बाकी सर्दियों और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। हाँ तो गाइस, हमारा नेक्स्ट आइटम आ चुका है, और नेक्स्ट आइटम आपका 30 इडली। लाइक मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना है। इसमें करते हैं इडली को पूरा अपना घी में रोस्ट कर देते हैं, ये देखिए पूरा घी से पूरा लिपटा हुआ है, ऊपर से फिर इसके ऊपर ये गन पाउडर डालते हैं, और फिर ये इसके जो चटनी आप प्रोवाइड करते हैं, नारियल चटनी या फिर टमाटर वाली चटनी, और ये आपका जो अपना सांभर। तो अब आपको ये ट्राई करके दिखा दें इसका टेस्ट कैसा है। इसका प्राइस है 150 रुपीज़। तो चलिए गाइस, इसका टेस्ट ओके है। लाइक मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा हाई पे अवर्थ है, बस इडली का साइज बड़ा था और घी डाला था इन्होंने, इसका कुछ अलग नहीं किया, और मतलब ओवर हाइप लगा मेरे को। 100 रुपीज़ इसके लिए वर्थ है या 80 भी वर्थ है, लेकिन 150 इसके हिसाब से वर्थ नहीं है। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इस पे आए, या फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो तो आ सकते हैं, इतना कुछ खास है नहीं इससे। इससे अच्छा तो आप अपने घर में जो चाट मसाला डाल के खा लेंगे इसमें, वो इससे बेटर लगेगा आपको। चले गए तो आपको नेक्स्ट आइटम दिखाते हैं। हाँ तो गाइस, हम नेक्स्ट जगह लोकेशन पर आ चुके हैं, यहाँ पे अपना हरियाणवी फूड। ये अपना हरियाणी फूड है, यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं बाजरे के पकौड़े। तो ये देखिए इन्होंने, ये 50 रुपीज़ की क्वांटिटी है, और इस 100 में लाइक, और 100 आप दोगे तो इसकी डबल क्वांटिटी मिलेगी आपको। तो पकौड़े ट्राई करके दिखाते हैं आपको कैसे है। पकौड़ों का टेस्ट बहुत जेन्युइन, मतलब पहली बार खा के आपको जो बाजरे का टेस्ट आ रहा है स्ट्रॉन्ग। इसमें इन्होंने जो डाली कि प्याज, इसमें प्याज डाली है, पालक डाली है, और एक दो आइटम डाले हैं, लेकिन हाँ कसम से जेन्युइन टेस्ट, मतलब मज़ा आ गया खा के। और 50 रुपये के वर्थ थे, मुझे तो वर्थ लगे, क्वान्टिटी वाइज थोड़ी सी कम थी, लेकिन हाँ टेस्ट वाइज बहुत जेन्युइन है। और मतलब बाजरे के भी पकौड़े ऐसे बनाए जा सकते हैं, लाइक मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ कसम से हरियाणवी फूड ओपी, मज़ा आ गया। चले गए तो आपको नेक्स्ट चीज़ें दिखाते हैं। हाँ तो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर आ चुके हैं, और ये है अपने यहाँ पे वेजले का स्टॉल। इस जो वेजले ने मतलब फूड इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लेके आया है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो अपना जो लोग नॉन वेज लवर है, उन्होंने नॉन वेज का टेस्ट वेज में प्रोवाइड किया है, और बहुत जेन्युइन लेवल पे। मतलब आप अब आपको इसका एक आइटम दिखाते हैं, जैसे वेज बर्गर दिखाते हैं। तो चले गाइस, वेज चिकन टिक्का बर्गर। तो देखिए यहाँ पे आपका वेज चिकन पे, ये इन्होंने यहाँ पे चिकन के जो इनके इनका प्लांट बेस्ड चिकन है, ये बस इसमें फ्लेवर चिकन का है, लेकिन ये बना आपका प्योरली प्लांट से, प्योर वेजिटेरियन आइटम है। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए अपना ये मेयोनीज भी डाली है, यहाँ पे इन्होंने मिट सॉस भी डाली है, फिर यहाँ पे इन्होंने टोमेटो, अपना प्याज और लेटस भी यूज़ किया है। मतलब आपको 100 रुपीज़ का ये बर्गर पड़ेगा, और अब इसका टेस्ट करके दिखा दें आपको कि टेस्ट में वर्थ है नहीं है। साइज तो इसका जंबो है, मतलब साइज तो यार बहुत है। ओहो जनवरी वाली बातचीत है, मतलब अगर आप जैसे जो नॉनवेज खाता है वो भी से खाएगा ना, तो उसे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो नॉनवेज ही खा रहा है, बिल्कुल ऐसा पता चलेगा। जैसे सोयाबीन को इन्होंने एक न्यू टेक्सचर दिया है इनके साइंटिफिक मेथड की मदद से,
इन्होंने बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। मतलब ये बर्गर इतना 100 रुपीज़ में बहुत बड़ी चीज़ है। आप मैकडी में जाओगे आपको मैकडी में टेस्ट नहीं आएगा जो ये यहाँ इस लेवल पे दे रहे हैं। और इनके जो आइटम्स हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके, इनमें बहुत सारे आइटम्स हैं, इन पर चॉपस्टिक है, सोया समोसा है, वेज चिकन बर्गर, सोया सीख कबाब, सोया नगेट एंड बहुत सारी आइटम्स हैं। तो ये तो बर्थ है। हाँ तो मैम आपको कैसा लगा वेजले का आइटम? मैंने यहाँ पे डेली 15 दिन में डेली आई थी, मैंने डेली चाप खाई थी जी जी। मुझे बहुत पसंद आई, मैंने गुड़गावा में भी कोशिश करी ये चाप, मेरे को वहाँ नहीं मिली जी जी। तो मेले में मैं हमेशा आती तो खा के जाती जी। आपने और क्या क्या खाया यहाँ पे वैसे? अभी सिर्फ चाप ही मेरी फेवरेट है जी। मैम आपको मेन हमारी चाप ही फेवरेट है जी। खाइए जी, आपकी वाकई बहुत अच्छी जी जी। आपका अच्छी, आपका जो आप जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, ट्रीट भी किया उन्होंने, ऐसी कमी नहीं है, यानी आपकी चाप बहुत ही टेस्टी जी। थैंक यू सो मच जी। तो गाइस इनका एक और आइटम आ चुका है हमारे यहाँ पे वेज चिकन, तो ये आपको खा के दिखाते हैं कैसा है। गाइस कसम से, मतलब क्या बोलूँ मैं, जो वो जो टेस्ट है वो सेम आ रहा है इसमें, और जो चिकन में आपका टेंडरपन जूसीपन, ये देखिए ये बिल्कुल आपको चिकन जैसा ही स्ट्रक्चर में फील हो रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट बात क्या है इसकी, प्योर वेज है, मसाले इतने बैलेंस्ड है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब आज के टाइम पे क्या होता है कि मसाला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये बहुत जेन्युइन लेवल के प्रोडक्ट है। मतलब इन्होंने जो काम किया बहुत ज़्यादा लेवल पर किया है, इनका हर एक जो प्रोडक्ट है वर्थ है ट्राई करने लायक। आपको जो अच्छा लगे आप ट्राई कर, लेकिन इनका वेज चिकन बर्गर बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। अगर आपका स्विच पर मेला आ रहा है तो इनके स्टॉल से जरूर आए, तो ये ट्राई करें। चलिए गाइस आपको नेक्स्ट ये दिखाते हैं। तो गाइस ये हमारी लास्ट आइटम है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना। तो ये देखें यहाँ पे मैं लिया थुपका, यहाँ पे मतलब हर एक जो है अलग अलग शेड्स का दिखा रखा है। जैसे आप देखें यहाँ पे असम है, फिर यहाँ पे आपका नागालैंड है, ठीक है। देखेंगे तो मैंने मतलब ये सिक्किम के स्टॉल से लिया है, यहाँ पे थुपका लिया है, लाइक फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ मैं। तो ये आपके नूडल्स है इसमें, फिर इसमें आपका आता है ये मशरूम, देखिए मशरूम की क्वांटिटी अच्छी खासी है। फिर ये अपने जिम वाले भाइयों के लिए क्या है भाई, ये ब्रोकली, फिर इसमें अपना थोड़ी बहुत ये अपनी क्या होते हैं पत्ता गोभी भी है, कैबेज, फिर इसमें अपना थोड़े से गाजर भी है, और हाँ मतलब काइंड ऑफ सूपी है, लेकिन बहुत हेल्दी ऑप्शन है लाइक मुझे तो लगा। तो पहले इसका सूप ट्राई करते हैं थोड़ा, ये ब्रोकली एंड और सब्जियों के साथ, लाइक जैसे अगर आप किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाके सूप पीते हो ना, बिल्कुल वैसा ही सेम टेस्ट है। लेकिन अब हम आते हैं अपने नूडल, नूडल पे की नूडल क्या, तो लाइक देखने से भी नूडल का साइज़ जो है देखिए इतने थिक है और इतने लाइक बड़े बड़े हैं। तो आप इसको ट्राई करके दिखाते हैं। नूडल ठीक है, खाने में पता चल रहा है, लेकिन हाँ बहुत जेन्युइन, मतलब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठंड में अगर ये मिल जाए ना तो लाइक रात का खाना या सुबह का नाश्ता, अनलिमिटेड अलग लेवल जेन्युइन बातचीत। लाइक ये मेरे को 100 रुपीज़ का पड़ा और वर्थ है, लाइक एक इंसान के लिए क्वान्टिटी अच्छी खासी है, उसका पेट भर जाएगा इस 100 रुपीज़ में। इन पर और भी ऑप्शन दे रहे थे मोमोज, फिर आपका नॉन वेज थुपका, लेकिन हम तो प्योर वेज है तो अपन वेज वेज थुपका ही ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से मस्ट रिकमेंड है, लाइक थुपका आप जरूरी नहीं है यहीं से खाए, कहीं से भी खा सकते, लेकिन हाँ अगर यहाँ आ रहे हैं तो लाइक थुपका और वो जो मैंने आपको दिखाया था पिछले पार्ट में कि अपना जो वेज चिकन बर्गर वेजले से, ये तो आइटम मस्ट चाहिए मस्त। ठीक है चलिए गाइस आपको इसके बाद लास्ट दिखाते हो क्या है बताते हो। चलिए तो गाइस ये था हमारी वीडियो का एंड, और मतलब आप बताइए आपको कैसा लगा ये सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का जो फूड ऑप्शंस है। लाइक मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन कुछ लाइक ओवर हाइप थी और बिल्कुल वर्थ नहीं थी जैसे मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका अपना लोकल दिल्ली वाला साइनिंग ऑफ।